तमिलनाडु के कुन्नर में भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका रावत के साथ मौजूद थे। इसके अलावा क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, एक अन्य अधिकारी और दो पायलट समेत 9 लोग इसमें मौजूद थे। वहीं हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के जिस इलाके में क्रैश हुआ वह पूरा जंगली इलाका है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद आसपास धुआं उठने लगा। ये MI-17V5 हेलीकॉप्टर था जिसमें CDS विपिन रावत समेत 9 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार इनमें से 2 की मौत हो गई है जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। सभी को पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक CDS विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म फोर्सेज का कॉलेज है। यहाँ CDS रावत का लेक्चर था। यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होना था लेकिन रास्ते में ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। CDS जनरल रावत एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वेलिंगटन सशस्त्र बल कॉलेज में गए हुए थे। वहीं से लौटकर कुन्नूर की तरफ आ रहे थे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनकी सुरक्षा में तैनात 5 कमांडो और निजी सुरक्षा कर्मी, एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। CDS को कुन्नूर पहुँचने के बाद दिल्ली रवाना होना था। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार मलबे में से 2 शव निकाले जा चुके हैं जो 80% जल चुके थे। बताया जा रहा है कुछ शव पहाड़ी इलाके के नीचे भी मौजूद हैं। उनकी पहचान की जा रही है। अब तक 3 लोगों को बचाया जा चुका है, इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई है। वहीं मौके पर 6 एम्बुलेंस मौजूद हैं।